बात गुजरात की करते हैं, जहां पर कई ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं, क्योंकि नॉनस्टॉप मूसलाधार बारिश कई जिलों में हो रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जहां पर लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। बाढ़ बारिश के इस सितम को देखिए, यहां इंद्रदेव अपने रौद्र अवतार में बरस रहे हैं, जिसके चलते गुजरात के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। तस्वीर द्वारका, जूनागढ़ और राजकोट की है, जहां बाढ़ बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देवभूमि द्वारका का हाल बुरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर का बुरा हाल है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। दहाड़ मारता पानी सड़क के रास्ते निचले इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसके चलते घर मकानों में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल जूनागढ़ का दिख रहा है, जहां 5 इंच से ज्यादा बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मंगरौल इलाके का हाल तो और भी बुरा है, यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पानी से लबालब भर गया। सैलाब के बीच ही गाड़ियां सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में हादसों का खतरा लगातार बरकरार है। वहीं जूनागढ़ में समंदर की लहरें बेहद खतरनाक हो गई। बारिश और तेज हवा के चलते दहाड़ मारती लहरें समंदर तट से टकरा रही हैं। राजकोट में हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। बाढ़ का पानी घरों में दाखिल होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों के साथ गली मोहल्ले भी लबालब पानी से भरे नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के इलाकों में 22 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।